अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो है बकरीद है, पहली बकरीद वाला ईद का पहला दिन, तो जो है मेरी तरफ से आप लोग को ईद बहुत बहुत मुबारक। तो अभी हम लोग लेटे हुए ही ऐसी, क्योंकि गाय हो रही थी ज़िबा, हम लोग सुबह ही सुबह उड़ गए थे। ऐसा मैं जो उठ गई थी अजान से 5 मिनट बाद, मैंने उठ के डायरेक्ट हानिया को उठाया। हानिया ने बाहर जाओ कि गाय ज़िबा तो नहीं हो रही, लेकिन नहीं हो रही थी। फिर हम लोग दोबारा सो गए। फिर हम लोग उठे 7 बजे। 7 बजे उठने के बाद सारी गाय को देखा, चाका, मतलब जो कट गई मिट गई। अब जो रहती हैं वो दिखाती हूँ कौन कौन सी रहती है। गली में इतनी कीचड़, इतना खून, इतनी बदबू, मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा ही बदबू हो रही है, अजीब सी वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन खुशी भी है, बकरीद है। तो जब भी मैं अभी दिखाती हूँ, हमारी टैली फिल्म आएंगी 3 दिन, तभी दिखाते हैं हम कौन सी देखते हैं। नीचे यहाँ पे जियो पे आ रही है फिल्म, टाइम देखें 10 बज रहे। और ये फिल्म जो है होले होले दिल तेरा हो गया, ये वाली फिल्म है। और यहाँ देखें सब घर वगैरह सब फैला हुआ है। और यहाँ पे बन रही है चाय। और सुबह ही सुबह आ गया गोश्त पूरे में, तो अजीब सी बदबू हो रही है। बाहर कपड़े भी मम्मा ने धुले हुए हैं। और दिखाती हूँ मैं भी आपको, यहाँ देखिए कितनी कीचड़ हो रही है। और वहाँ आगे गाय भी कट गई, ये देखें। और एक गाय ये देखिए नीचे खड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ही कोई कीचड़ हो रही है। निकल गया साफ, किसको करवाना है, मुझे ही करवाना है। यानी सुबह ही नमाज़ पढ़ के आ गए थे, तो बस अभी होने जा रहा है फिल्म का एंड। हमने एंड देख लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है क्लीनिंग घर की, और टाइम यहाँ पे 11:30 हो रहे हैं। और वहाँ से बस अभी हमने कपड़े निकाल लिए हैं, पहनते हैं। नहीं, हम आपको सरप्राइज़ बताएंगे, सरप्राइज़ है, पहन लेंगे तो फिर हम आपको दिखा देंगे। जी बिल्कुल, अभी हम तीनों जा रहे हैं शावर लेने, तो बस अभी हम लोग शावर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप लोग को ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। अभी मैंने ये पहना है सूट और इसके साथ ब्लैक दुपट्टा, और अभी मेहंदी नहीं लगाई, आके मम्मा से मेहंदी लगाऊंगी। और मेरी तरफ से भी अगेन आप लोग को ईद मुबारक। मैंने उस वक्त आप लोग को ईद मुबारक इसलिए दिखा दिया क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। अब हमारी ईद स्टार्ट हुई है, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी खाला अम्मा की तरफ। सलाम। फ्रेंड्स, अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं पापा जानी के साथ। कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, खाला अम्मा के घर पे। मम्मा यहीं हैं और मोबाइल भी यहीं है, तो हम लोग वीडियो नहीं बना सकते। बस बहुत अभी गर्मी तो फिलहाल नहीं हो रही, अच्छा अच्छा मौसम हो रहा है, मैं दिखाती हूँ। हल्की सी धूप है, लेकिन जो है गर्मी नहीं है। हुआ की थी कि मतलब जब बकरे मतलब क्या कहते हैं, इस दिन जो है धूप मतलब गर्मी ना हो, क्योंकि छाँव हो, ताकि हम लोग मतलब गाय ज़िबा होते हुए देख सकें। ये तो छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, ये मेरे समझ में नहीं आता। और सारी गाय जो है सुबह बखैर ही ज़िबा हो गई। और हमने आसानी से देख लिया, ना ही कोई गर्मी थी ना ही कोई धूप थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें, छुट्टियाँ हैं। लेकिन ना गाय का कलर मतलब किसी नहीं देखा जाता। एनर्जी आपको गाय से? और रात में हम लोग मेहंदी लगाएंगे। हमने चांद रात पे मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि जो हमारी मेहंदी लगाने वाली थी वो फ्रेंड्स ईद के पहले दिन भी बारिश हो रही है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, हवा के साथ हो रही है। वैसे अच्छी अच्छी बात है कि बारिश हो रही है, बाहर जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी वो होगी ना मतलब खून वगैरह, वो सब हो जाएगी। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि बारिश हो गई, कि गंदगी तो साफ हो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बारिश जो है ना तेज़ हो रही है। क्या पता वीडियो में आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत तेज़, मतलब इतनी भी तेज़ नहीं आ रही। और आज का भी दिन हमारा घर पे गुजरेगा, रोडों पे भी पानी, हाँ घर पे भी पानी, बारिश है। हम जाएँ तो कहाँ रहें, इन बारिशों से तो बहुत परेशान। अब आउटिंग भी कहाँ करें, मतलब कैसे करें, मतलब बारिश हो रही है, पानी खड़ा हो जाएगा फिर से,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें कि कितनी गंदगी हो रही है, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रही है नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत गंदगी हो रही है। अब देखते हैं पापा जानी दूसरे दिन हमें कहाँ ले गए। पहले दिन तो हम कहीं नहीं गए, दूसरे दिन अगर बारिश नहीं हुई तो हम जाएंगे वहाँ शायद।